उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के चोकसिल पहाड़ी और वन भैंसा प्रजनन केंद्र की भ्रमण करने के बाद हम सब तोरेंगा रेस्ट हाउस में नाश्ता किए और यहीं के खूबसूरत नदी पर नहाए। और सीधे ओण आमा मोरा के लिए जा रहे हैं जो कि मैनपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर है। रास्ते जंगलों से घिरा हुआ है जिसमें ओपन जिप्सी की सवारी करने का कुछ अलग ही मजा होता है। अभी हम कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में हैं, जिसे टाइगर सफारी जोन वन के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम ओण के लिए निकले हैं। एक नाका है, एक कहे जाए तो बीच का जगह है, वहीं पे हम रुके हुए हैं। मैनपुर से यहाँ तक की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और मैनपुर में ही हमने जिप्सी लिया था किराए पे, जो वन विभाग की ओर से है। वहाँ पे आप कुछ चार्जेस पे करना होता है, उसके बाद आप उसको बुक कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। अगर उसके चार्जेस की बात करें तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है उसके चार्जेस कैसे हैं। तो आइए हम आपको रास्ते का व्यू दिखाते हुए ले चलते हैं। और यहाँ से जो ओण है वो लगभग आधे घंटे में हो जाएगा पूरा, ज़्यादा दूर नहीं है और हमें उतनी जानकारी है नहीं उसके बारे में। तो यहीं पे गाइड की व्यवस्था रहेगी, लोकल जो यहाँ के निवासी होते हैं, ग्रामीण होते हैं, वो हमें वहाँ तक ले जाएंगे और पूछेंगे हम किसी से कि क्या है, कैसे जाना होगा, क्या क्या मिलेगा हमें, और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व इसको अलग अलग क्षेत्रों में, परिक्षेत्रों में बांटा गया है। नमस्कार सर, मैं अमर सिंह ठाकुर, प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी कुल्हाड़ी घाट। यहाँ से जो ना लगभग 12 किलोमीटर है ओण, और ऊपर जैसे चढ़ेंगे 5 किलोमीटर के ऊपर से चिकली पखार है, चट्टान है, वहीं पर मस्त जो ना पहाड़ी चारों तरफ घिरा हुआ है। चिकली पखार जगह का नाम है कि गांव है? नहीं, चिकली पखार जगह का नाम है। तो जिप्सी से कितना दूर जाएंगे हमें? जिप्सी से लगभग जो ना 6 किलोमीटर, 5.5-6 किलोमीटर, 5.5 पैदल चलना है? नहीं, पूरे जिप्सी से ही आप जा सकते हैं ओण के लिए। टाइगर सफारी जोन में हमें वन विभाग के कर्मचारी मिले और हमारी सुविधा के लिए एक ग्रामीण को हमारे साथ जाने के लिए कहा, जो हमारे साथ सफर में मौजूद रहेंगे और इस सफारी जोन के सभी चीज़ों की जानकारी बारीकी से देंगे। क्षेत्र में नदी, झरने, तालाब और बांस के पौधे होने के कारण हाथियों के लिए अनुकूल क्षेत्र है। सिकासार हाथी दल भी इसी क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं। इसके साथ ही बाघ, भालू और अन्य मांसाहारी जानवरों का भी विचरण क्षेत्र है। साथियों, यह एक अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्र है। YouTube और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको इस जगह के बारे में शायद ही कोई ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा। ओड़ गांव के पास हम अपना कैंपिंग टेंट लगा रहे हैं। कैंपिंग टेंट के लिए यह जगह काफी बढ़िया है। यहाँ पर हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स और रील्स बनाने के लिए वीडियोस रिकॉर्ड किए। यहाँ का व्यू पॉइंट काफी बढ़िया है, लेकिन इस क्षेत्र में काफी खतरनाक और मांसाहारी जानवरों का भी खतरा बना रहता है, इसलिए हमने गांव के पास वाला इलाका टेंट के लिए चुना। वन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इस क्षेत्र के गांवों में होम स्टे की भी सुविधा रहेगी, जहां रुककर आप इस क्षेत्र का अच्छे से अवलोकन कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको आदिवासियों और कमारों के जीवन शैली को भी जानने को मिलेगा। हमारे ग्राम ओर जो है बहुत दुर्गम इलाका है, रास्ता बहुत कठिनाई से
आना जाना करना पड़ता है, लेकिन अभी जो भारत के द्वारा अभी रोड का मरम्मत काम चल रहा है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1842 वर्ग किलोमीटर है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि पिछले कई वर्षों से बाघ के मल और पग मार्ग निरंतर अंतराल पर वन विभाग को मिल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से नक्सली गतिविधि होने के कारण कैमरा ट्रैप नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा अपनी जान पर खेलते हुए प्रभावित क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप बाघ के ताज़ा फोटोग्राफ 31 अक्टूबर 2022 को कैमरा ट्रैप में कैद हुए हैं। इसके साथ ही बिज्जू, तेंदुआ, भारतीय काकड़ और भालू जैसे खतरनाक जानवरों के फोटोज़ यहाँ के कैमरा ट्रैप में कैद होते रहे हैं, और इस खतरनाक क्षेत्रों की पेट्रोलिंग करने में महिला फॉरेस्ट गार्ड भी काफ़ी एक्टिव हैं। अभी हम भांग मऊहा के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर घास के बड़े बड़े मैदान हैं और इस घास को चरने के लिए खरगोश जैसे खूबसूरत जानवर भारी संख्या में आते हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र बर्ड वाचिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर मालाबार पाइड हॉर्नबिल जैसे खूबसूरत पक्षियों को भी इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। इस क्षेत्र की बनावट इतनी अच्छी है कि आप यहाँ आकर प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाएंगे। वापस हम अपने टेंट पर जा रहे हैं और नाश्ता का आनंद ले रहे हैं। यदि आप इस क्षेत्र में कैंपिंग करना चाहते हैं तो वन विभाग से कैंपिंग टेंट, एक गाइड या किसी ग्रामीण को साथ में जरूर रखें। इसके बाद हम एक गांव ओड़ के लिए जा रहे हैं। इस गांव की खूबसूरती और ग्रामीणों की जीवन शैली एकदम अलग है। इस गांव में मयूर का दिखना आम बात है। यहां के ग्रामीणों के द्वारा हमारे राष्ट्रीय पक्षियों की संरक्षण और देखभाल अच्छी तरह से किया जाता है। नवीन पंचायत का सरपंच हूँ मैं, राम सिंह सोरी। हमारे यहाँ देखने के लायक ऐसे पहाड़ी और झरने वगैरह हैं। जंगलों और पहाड़ों के होने के कारण यहाँ पर गर्मियों में तापमान काफ़ी कम रहती है, खासकर रात्रि के समय। इसे हम गरियाबंद का हिल स्टेशन भी कह सकते हैं। गांव भ्रमण करने के बाद हम सीधे इस क्षेत्र के विशाल वाटरफॉल बनिया धस के लिए जा रहे हैं। शाम होने को है और हम तेजी से चल रहे हैं। यह क्षेत्र पूरा दुर्गम है और मांसाहारी जानवरों का विचरण क्षेत्र भी है। तो हम वाटरफॉल के पास पहुंच ही गए हैं। बस 100 मीटर का अंतराल है और यहाँ पे जो साइड में देख रहे हैं वो नदी है। तो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं जो जगह है थोड़ा सा नीचे है, तो चलने में थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन मज़ा आएगा आपको।
तो जो नदी है उसको क्रॉस किए, उसके बाद थोड़ा सा आगे आए और इस रास्ते से हमें जाना है अंदर। यहाँ से आप झरने की आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ तक सुनाई देता है झरने की आवाज़। तो हम काफ़ी नज़दीक हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कांटा है, तो थोड़ा कंटीला है, तो इसे बच के आना होगा। तो एक रास्ता बन जाएगा इसे। करीब 5 मिनट के पैदल सफ़र के बाद हम बनियाधस वाटरफॉल तक आ चुके हैं और ये वाटरफॉल बेहद ही विशाल है। करीब 60 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे खाई में गिरती है। आसपास के पहाड़ी इस वाटरफॉल की खूबसूरती पर और चार चांद लगा रही है। ये झरना का नाम है बनियाधस बोलते हैं इसको, और ये बनियाधस जो है इसका नीचे से ऊंचाई इसका 7 फीट है, और इसका अंदर भी पानी का गड्ढा ही इसका वही लगभग 30 फीट 40 फीट का अंतर्गत है। और ये झरना जो है यहाँ झरना ओर से 500 मीटर पड़ता है। दिन भर समय बिताने के बाद हम सब अब वापस आ रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको टांगरी डोंगरी पहाड़ी और खल्लारी माता मंदिर की रहस्यमय कहानी को बताएंगे। आशा करते हैं कि आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। इस क्षेत्र में आने के लिए यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी या बुकिंग संबंधी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर वन विभाग से जरूर संपर्क करें। जय जोहार।